एक 30 साल का लड़का मेरे पास में आया, वो इसलिए कि उसका इरेक्शन नहीं हो रहा है और सेक्स बिल्कुल ही नहीं है पिछले 4-6 महीने से, और जब कभी इरेक्शन होता ही है तो जल्दी छूट जाता है, जल्दी इजैकुलेशन होता है, शीघ्र बंद हो जाता है। तो जब उसको नेचुरली क्या होता है कि जब हमारे पास में लोग आते हैं तो उनकी हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि भाई क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, कहाँ से हुआ, हिस्ट्री आपके पास में कौन सी है, पहली मास्टरबेशन की हिस्ट्री है क्या, पहले हस्तमैथुन किया है क्या, अच्छा पहले आपके कहाँ संबंध थे, शादी होगी तो उसको कितने साल हो गए, मतलब सब पूरी हिस्ट्री मैंने उसको पूछा। मैंने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बोला, भाई इन्वेस्टिगेट करो आपका थायराइड ठीक है कि नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है क्या, आपका डॉपलर टेस्ट करते हैं पेनिस का कि भाई पेनिस को ब्लड सप्लाई ठीक हो रहा है कि नहीं, तो डॉपलर टेस्ट ठीक है मतलब पेनिस को सप्लाई भी ठीक हो रहा है, फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक है, थायराइड भी ठीक है, बाकी डायबिटीज नहीं है और तभी भी ये प्रॉब्लम है। तो नेचुरली क्या होता है कि 30 साल का लड़का है और जब बाकी कुछ नहीं है तो नेचुरली हम बोलते हैं कि भाई इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग, टेंशन भी नहीं होता, मतलब लिंक कठोर भी नहीं होता है और जल्दी गिर भी जाता है। उसको जब हिस्ट्री पूछा तो उसने बताया कि भाई अभी जो उसकी पत्नी है उसके साथ में अभी नहीं जम रही है, वो ताने मारती है, उसको उल्टा पुल्टा कुछ बोल देती है, उसको नीचा बताती है और फिर उसके वजह से फिर उसका और डाउन हो जाता है। मतलब भाई आपका क्या मतलब लव मैरिज है, बोले हाँ हमारा लव मैरिज है, मतलब फिर हुआ क्या, बोले हम तो 4 साल, देखो ताजुब की बात यह है कि शादी के 4 साल पहले उनकी फ्रेंडशिप थी, 4 साल में उन्होंने हमको एक दूसरे को पहचाना नहीं कि भाई कैसे है, स्वभाव कैसा है, 4 साल। होता क्या है कि जब शादी के पहले है ना लड़का लड़की मिलते हैं तो बस ऊपर ही ऊपर सब चालू रहता है और मेनली उस समय जो रहता है अट्रैक्शन वो फिजिकल अट्रैक्शन रहता है और बाकी सब बाजू में रखा जाता है, नहीं नहीं वो तो ठीक हो जाए, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन। 4 साल जब फ्रेंडशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके रह रहे, सेक्स भी उसके पहले हुआ है और फिर शादी हो गई, अचानक क्या हो गया, होता गया कि शादी के बाद में फिर एक्चुअली आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स फेस करना चालू करना पड़ता है और उस समय फिर आपकी टेस्ट होती है, फिर कमाना है, पैसे पुराना है, घर चलाना है, प्लानिंग करना है, बच्चों का प्लानिंग करना है, फिर वाइफ की जो जिद है वो उसको खरीद के देना है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे बाद में चालू हो जाते हैं कि जिसके लिए फिर आदमी तैयार नहीं रहता। ये व्यक्ति एक बार ऑफिस से जब आया तो एक बार फेल हो गया, टेंशन था, फिजिकली बहुत टायर्ड था, कोई इच्छा नहीं थी और तभी भी उसके वाइफ ने उसको जिद करके उसको डिमांड किया सेक्स करने के, उसका इरेक्शन हुआ ही नहीं। जैसे उसका इरेक्शन नहीं हुआ उसने उसको उल्टा पुल्टा बोल दिया कि आप तो ऑफिस से लेट आते हो, पता नहीं आपकी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी में आपका किसके साथ में होगा, ऐसा चालू कर दिया उसको उल्टा पुल्टा बोलना। क्या होता है कि लड़कियां जब मतलब शादी होकर जाती है उनको काम धंधा नहीं है, दिन भर घर में बैठे रहो, सुबह ऑफिस में गया आदमी 8 बजे 8:30 बजे घर से बाहर, रात को 8 बजे आता है, तब तक इसका दिमाग खराब होता है, घर में अकेली है। ये पूना की स्टोरी बता रहा हूँ मैं, पूना के फ्लैट में रहने वाली लड़की, और फिर शाम को आने के बाद में उसको बरसना चालू हो जाता है, डिमांड करना चालू होता है, उसको लगता है कि अभी मैं 8 घंटे 10 घंटे काम करके आया हूँ, बॉस के ताने सुन के, बॉस का काम का प्रेशर वो करके घर में आया, तो उनको शांति होना चाहिए और शांति तो दूरी रहो, भी डिमांड चालू हो जाती है और उसमें वो फेल हो गया। जैसे ही फेल हो गया तो उसने ताने मारे, उसको उल्टा पुल्टा कहा उससे, और उसको डिप्रेशन आ गया। फिर उस समय रात को तो जमा ही नहीं और दूसरी रात आने तक वो इतना टेंशन में था, क्योंकि रात भर सोया नहीं, दूसरे दिन टेंशन में था कि भाई अभी कैसा होगा, आज नहीं हुआ तो क्या, और दूसरे दिन भी वो फेल हो गया। फिर झगड़ा हो गया दोनों का और बोली मैं तो मायके चली जाऊंगी, आप देखते रहो, और वो एक्चुअली निकल गई। 1-2 दिन और उसने ट्राई करके देखा, इसका तो पूरा डाउन, डिप्रेस्ड, नर्वस, बोले होता ही नहीं, दवाई दे दो। मतलब ठीक है दवाई तो देंगी, मगर मैं क्या करते रहता हूँ कि दवाई के साथ साथ मैं काउंसिलिंग भी करता हूँ। उसका जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की अभी मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, वो एंग्जाइटी वो दूर निकालना होता है, उसके लिए काउंसिलिंग जरूरत होती है। मतलब मैं आपको दवा देता हूँ गोली से, देखो कैसा होता है, मगर गोली के साथ साथ मैं आपको मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक सिखाता हूँ,
उसके लिए मेरे पास में आपको आना होगा या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना होगा। हमारे यहाँ क्या है कि मैं 1-to-1 कॉल करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ, या फिर हम ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में फिर लोगों को लगता है कि हमने ऐसी कैसी बात करना, तो लोग ग्रुप में अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, ग्रुप में आते हैं और बात करते रहते हैं। तो उसको मैंने बताया कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, तो मतलब उसके सिवा कोई चारा नहीं है। बोले वो तो बोलते नहीं, पहले आप ठीक हो जाओ फिर मैं आऊँगी। बोला ऐसा नहीं होता, पहले बोलना तू आ जा फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, और सच्चे आपके ऊपर प्यार होंगे तो आ जाएगी। फिर उसने उसको बहुत मतलब हाथ जोड़ के उसको वापस लाया, मैंने उसको PDE5 इनहिबिटर्स दवाई भी दी, और उसको मैंने मास्टर्स एंड जॉनसन थेरेपी, जिसका मैंने पहले वीडियोस में जिक्र किया है, वो उसको दी, और उससे वो कम्प्लीटली अच्छा हो गया, दोनों भी अच्छे रह रहे। मुझे ये बताना है कि जो सभी वाइफ्स हैं ना, और सबको ये शेयर करो वीडियो, जो अकेली अकेली है घर में, अकेली रहती है, दिन भर अकेली रहती है, हाउस वाइफ है, और उनका डिमांडिंग जो नेचर रहता है जो औरतों का, और डिमांडिंग स्पेशली फॉर सेक्स, उनका हस्बैंड का तो बैंड ही बच जाता है। तो डिमांड करेंगे तो और प्रॉब्लम आता है, इसलिए डिमांडिंग नहीं रहना चाहिए, शांति से केयरिंग सपोर्टिंग, ऐसा यदि आपका व्यू रहा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। ये वीडियो आप जरूर वो लोगों को शेयर करो, वो लेडीज़ को, कि जो अकेली है, हाउस वाइफ्स है, समझती नहीं है, और जो यंग है, यंग में क्या होता है कि एक आधी बार नहीं जमा तो तुरंत सस्पिशियसनेस, आपका अभी नहीं हो रहा इसका मतलब आप बाहर से कहीं करके आए क्या, या मेरे साथ में आपका नहीं हो रहा, मैं क्या पसंद नहीं हूं क्या, इतना डिमांड, इतना प्रेशर, तो उसमें आदमी फेल ही हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।